ओम शांति। आज का टॉपिक है सेवा क्या है। हम यूं तो मुरलियों में देखते हैं, मनसा सेवा है, वाचा सेवा है, कल्पना सेवा है। बाबा भी कहते हैं कि सेवा करने से आपकी बुद्धि सोने तुल्य बनती है। सेवा बुद्धि को बिजी रखने का एक मुख्य साधन है और ये जरूरी भी बहुत है। जैसे मन के लिए बिजी रखने का साधन है मनन शक्ति, बुद्धि के लिए सेवा है। चूंकि हमारा लक्ष्य बाबा को प्रत्यक्ष करना है, बाबा का शो करना है, तो सबसे ऊंची सर्वश्रेष्ठ जो सेवा है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे योग है। माना सबसे जो मूलभूत बात है, मोस्ट फंडामेंटल पॉइंट इज दैट, कि जैसे निरंतर योग होता है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे बाप को याद करने के लिए क्या एक जगह बैठने की जरूरत है, याद तो अपने आप आती है। माने कर्म योग का अभ्यास, योग युक्त रहकर हर कर्म करना निरंतर। इसी तरह से सेवा भी निरंतर होती है। सेवा में सबसे श्रेष्ठ जो है वो स्थिति के मार्क्स होते हैं, और सेवा सफल है या नहीं इसका मापदंड संतुष्टता है। बाबा ने संतुष्टता को ही इसका स्टैंडर्ड बताया है, मापदंड बताया है। आप स्वयं भी इससे संतुष्ट हो, ब्राह्मण परिवार भी संतुष्ट हो, तो संतुष्टता को इसका जो है वो सर्टिफिकेट बनाया गया है। लेकिन सबसे ऊंची सेवा वो है जो चरित्र से हो, जो चलन से हो, जो आंखों से हो, जो मुस्कान से हो, चेहरे से हो, निरंतर हो, निरंतर योग की तरह। क्योंकि स्थिति के ही नंबर होते हैं। अगर हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो रही है तो क्या हो जाता है, डिससर्विस हो जाती है। चाहे फिर वो मनसा है, वाचा है, कर्मणा है, तीनों ही सेवाएं जरूरी हैं। तीनों सेवाएं हमको करनी चाहिए, तीनों से ही इजाफा मिलता है। लेकिन जो मूलभूत या मुख्य बात है वो है मनसा सेवा। हमारे शुभ संकल्पों की जो शक्ति है, जो सद्भावना है, शुभ भावना, शुभ कामना है, यही आधार है जिससे हमारी वाचा सेवा और कर्मणा सेवा अपने आप अच्छी हो जाती है। तो हम ऐसे चरित्र का निर्माण करें जो बाबा का शो कर सके, यही सच्ची सेवा है, वास्तविक सेवा है, निरंतर योग, निरंतर सेवा। ओम शांति।